भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, एक गुमशुदा की तलाश की जा रही है और यहां पर जो कोई सूचना इसके बारे में देगा उसको 25,000 रुपया नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसके बारे में हमें जानकारी सबाना आदमी बहन जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से आती हैं उन्होंने भेजी है। और उन्होंने पहले भी इनके बारे में जो है बताया था, इनको ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, शायद अभी तक ये नहीं मिले हैं, तो आप सब अगर कोशिश करेंगे तो शायद ये मिल जाएंगे और शायद आप पुरस्कार भी ये जीत सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया ने पहले भी कहा था कि आप इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो जितना अच्छे तरीके से इनकी तलाश करेंगे उतना और कोई नहीं करेगा। यहां पर नाम इनका आदित्य सोनार लिखा हुआ है, उम्र इनकी 16 साल है, रंग इनका गोरा है और यहां पर आप देख सकते हैं स्थान इनका खुजवा बाजार वाराणसी है। साथ ही समय इनका रात्रि 10:50 से ये लापता बताए जा रहे हैं। अब इसीलिए मैंने सवाल खड़ा किया था कि 11 बजे आखिर कौन घर से बाहर काम से जाएगा, और मान लीजिए कोई काम से गया भी है तो फिर भी आप अपने वहां पुलिस में कंप्लेन करिए। और जो है ये इनके पिताजी का नाम छोटेलाल सोनार है, मोबाइल नंबर सब कुछ दे दिया गया और ये तमाम और भी नंबर दिए गए हैं। तो जो भी है आप लोग चाहो अगर दिखते हैं आपको कहीं तो आप सूचना भेज सकते हैं। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बताते हैं अन्य जानकारियों के बारे में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सायमा जमीर बहन की, उन्होंने अपने वहां से 2 फोटो भेजी हैं और साथ ही नेचर लेकर के कुछ मैटर भेजा है। कहना है बहन का कि छपरौली ब्लॉक में CDPO की जांच के लिए धरना दिया आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला अध्यक्ष उमा देवी व साथ में प्रदेश अध्यक्ष सायमा जमीर भी वहां पर रही है। तो अब चलते हैं तस्वीरों की तरफ, आपको वहां से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि बहनों ने वहां पर प्रदर्शन किया है। और मैटर आप लोगों को पता हो चुका है, बदली बदली सब हो गई है और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फोटो वहां से आई है। अभी हाल ही में जो उन्होंने एक प्रिंट भेजा था पिछले वीडियो में, उसमें आप लोगों को कुछ चीजें बताई जा चुकी हैं। तो चलते हैं आगे और आपको और जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। एक ये मैसेज हमारे पास आया है जिसमें लिखा है, भाई नमस्ते, पेट का जो फॉर्म है उसमें जनसेवा केंद्र वाले ने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है, क्या पेपर नहीं कर पाएंगे? तो इस तरह से शारदा गौतम जी हैं और ये कानपुर नगर से आती हैं। तो देखिएगा दिक्कत तो आएगी, अगर भी जो अगर किसी ने भी मान लो सुपरवाइजर में भी फॉर्म में कुछ गलत किया होगा या फिर पेट के एग्जाम के लिए आपने कुछ जो है गलत भरा होगा, तो इसीलिए जो है उसके लिए संशोधन के लिए भी टाइम मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और तो यहां पर आपको इन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर सेंटर पर हो सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर के यहां पर दिक्कतें आए। अब ऐसे में हो सकता है आपके अन्य जो भी शैक्षणिक अभिलेख होंगे उनको दिखा करके अपने और तमाम प्रूफ आप जा सकें, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत भी आ जाए। तो इसीलिए जब भी कोई फॉर्म भरो, किसी भी चीज का भरो, या कोई भी सरकारी हो या ऐसे नौकरी के लिए हो, हर जगह जो कॉलम बने हैं उनमें सही सही भरो, उनको दोबारा चेक करो। और मान लीजिए आपने सारी चीजें जनसेवा केंद्र पर क्यों डाल दी, अब फॉर्म भरने से पहले क्या होता है कि उसको चेक भी किया जाता है, उसके बाद फाइनल सबमिट किया जाता है। तो ये आपको और आपके जनसेवा केंद्र वाले को सोचना चाहिए था, ठीक। तो उसने भी पैसे के चक्कर में जितना जल्दी जल्दी में आपका गलत कर दिया, और आपकी गलती कि आपने उनसे ये नहीं कहा कि जो है ये आप बैठ करके नहीं भरवाई, सही भर रहे हैं कि गलत भर रहे हैं। तो ये दोनों लोगों की कमियां हैं, फ्यूचर में ऐसा ना करिए, हो सकता है आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए पेपर में। आगे चलते हैं, एक ये है, सुधांशु भैया हमारे मोबाइल से पूरा डाटा चला गया है, बताइए हम क्या करें, DPO ऑफिस भी गए हैं वहां भी कुछ नहीं होगा और यहां पर डाटा 00 वहां पर दिखा रहा है और पूरी फीडिंग भी उन्होंने कंप्लीट कर रखी थी। और ये यहां पर देखिए सरला देवी इनका नाम है और जालौन जिले से आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर उनका कहना है कि अब ये करें तो क्या करें। तो अगर आपके वहां जो है ये दिक्कतें आ रही हैं, DPO ऑफिस भी आप जा चुकी हैं और फिर भी नहीं हो रहा, तो मान के चलिए आपका डेटा कहीं ना कहीं से किसी ने जो है डिलीट किया है। तो पूरा डेटा डिलीट हो चुका है, दोबारा से आपको करना होगा। अगर DPO ऑफिस जाकर के आपने उनके भी डैशबोर्ड पर चेक करवाया है, यानी उन्होंने भी किया है और वहां पर भी 00 दिख रहा है और आपने कहती हैं कि आपने किया है, तो आपको फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। क्योंकि इसीलिए कहते हैं जो एमपिन दिया गया है 5145, उसको जो है आप लोग अगर
उसी पर आधारित रहेंगे तो ऐसे ही दिक्कतें आती रहेंगी। तो अपना नया जो है एमपिन आप लोगों को क्रिएट कर लेना था और उसके आधार पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप का जो आपका बन चुका था एमपिन वो आपको बदल लेना था। तो उस हिसाब से आप जो अपना खुलती तो और किसी को पता नहीं होता, तो कोई भी आपकी आईडी के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर पाता। तो ये एक सिंपल सा मैटर है। वहीं पर चलते हैं आगे। और ये रेणु त्यागी बहन है, मेरठ से आती हैं, उनके द्वारा यहां पर कुछ ये तस्वीरें भेजी गई हैं। और इन्होंने कहा है कि मेरठ जिले से हैं और खरखोदा ब्लॉक है इनका, और ये उन्होंने सब भर दिया है। तो आपको पता है एक सैंग ऐप के बारे में वीडियो भी दे चुके हैं, समझा भी चुके हैं ऐप का पर्पस क्या है और ऐप में कॉलम मॉड्यूल कौन कौन से हैं, किसमें क्या क्या भरना है। अब इन्होंने देखो सब भर दिया है जो भी इनको मात्राएं चाहिए, ठीक। कलरिंग बुक उन्होंने 20 भर दी हैं और यहां पर ड्राइंग बुक 20 भर दी हैं, इस तरह से उन्होंने सब भर दिया। अब देखो कलरिंग बुक यहां पर जो है उन्होंने फिर भरी है 20, तो इस तरह से उन्होंने ये 28 को भी भरा, 29 को भी भरा। भाई डबल डबल नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। यहां पर आपने डबल डबल भरा है, कलरिंग बुक देखो ऊपर भी 20 भरी, यहां पर भी 20 भरी। तो यहां पर मैंने जबकि समझा रखा है कि सब सही सही करो, तो बार बार रोज रोज थोड़ी उस पर भरना है कि हमको इतनी चाहिए हमको इतनी चाहिए, तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक बार मात्रा भरनी है और फिर उसको जो है वहां पर छोड़ देना है, और जो भी आएंगी चीजें जब आ जाए तो फिर उनमें जो आवश्यक बदलाव है फिर वो आगे के किए जाएंगे, ऐसा सिस्टम है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। यहां पर मिर्जापुर जिले से जागरण में एक खबर प्रकाशित की गई है कि 3 आंगनबाड़ी केंद्र मिले हैं बंद और 17 अधिकारी और कर्मचारी वहां पर अनुपस्थित भी पाए गए हैं। तो इस मैटर पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। जागरण संवाददाता जो मिर्जापुर के हैं उन्होंने ग्रामीण और नगरी क्षेत्र में संचालित जो भी बाल विकास परियोजनाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्र का वहां पर संबंधित तहसीलों के एसडीएम ने वहां पर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान 3 आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर बंद मिले और 17 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकर ने अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन और मानदेय रोका है और कारण बताओ नोटिस भी उनको जारी किए हैं और 3 दिन में स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा है। डीएम के निर्देश पर बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण वहां पर किया गया। तो आप लोग यहां पर ध्यान देना, निरीक्षण टाइप के हो रहे हैं और अपना जो समय पर केंद्र पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सुबह 10:45 पर आंगनबाड़ी केंद्र बरौधा भाग 2 वहां पर ताला लगा मिला। कार्यकर्ता सुषमा देवी, सहायिका रीता कुमारी सहित एक भी बच्चा केंद्र पर उपस्थित नहीं मिला। लेबर लाइन में सेटलमेंट वगैरह एरिया चुनार जमालपुर में केंद्र बंद मिला और लालगंज में प्रभारी सीडीपीओ अरुणलता सिंह और चंद्रकली देवी मुख्य सेविका वहां पर उपस्थित मिली। आंगनबाड़ी केंद्र खुर्दा राजा पर जो है सोना देवी सहायिका और यहां पर तेंदुई प्रथम और रामरति देवी सहायिका ये सब अनुपस्थित मिली। चुनार तहसील में नारायणपुर ब्लॉक के तहत जमुई बाजार 1 में कार्यकर्ता नंदिता देवी, जमुई ग्रामीण तृतीय में मालती देवी, जमुई बाजार चतुर्थ में यहां पर कार्य सुमन ये सब अनुपस्थित रही। इस तरह से जो है खीसड़ के यहां पर काफी लोगों के सबके नाम है, तो देखिएगा ऐसे सब वहां पर अनुपस्थिति मिले हैं। अब बताओ, अब ऐसे अगर सिस्टम होगा तो फिर कमियां किसमें निकल के आएंगी? आंगनबाड़ी बहनों पर ही उंगलियां उठेंगी। तो इसीलिए हम सब कहते हैं कि अपना आप सब बहने जो ऑल इंडिया की दर्शक हैं, कम से कम आप अपने वहां समय पर चीजों को करें ताकि कोई भी आप पर उंगली ना उठा पाए और इस तरीके से आप चर्चाओं का विषय कभी ना बने। उत्तर प्रदेश में जालौन से एक खबर यहां पर निकली है, आंगनबाड़ी भवन यहां पर अधूरा है, ग्रामीणों ने यहां पर नारेबाजी इसके लिए की है, ठीक। तो अगर आप चर्चाओं में बने तो आपका जो है वहां पर सम्मान स्वरूप बननी चाहिए, ना कि आपकी कमियों को पहचान करके आप चर्चाओं में आए। तो हम चाहते हैं कि आप जो है यहां पर अच्छा काम करके जो है चर्चाओं में बने, जिससे आपको थोड़ा सम्मान मिले समाज में, ना कि जो इस तरह से कि केंद्र बंद मिला वहां पर फलानी नहीं मिली ये नहीं मिले, इस तरह का मैटर ना हो, ताकि इससे छवि भी आपकी साथ साथ जो है पूरे समझ लीजिएगा एक तरह से ये जो हमारा परिवार है ऑल इंडिया का, बहनों का, सबका, उन सबका, यानी आंगनबाड़ी नाम पर ही एक तरह से फिर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। अब देखिए ब्लॉक के अधिकारी व ठेकेदार इनकी लापरवाही से बड़ी सुरावली गांव में 4 साल से बन रहा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो अभी आधा अधूरा है। अब समझ रहे ना कितने साल से, 4 साल से ये केंद्र बन रहा है और अभी भी ये बन रहा है और जब तक ये बनकर तैयार होगा शायद तब तक जो है इसका काम तमाम हो जाएगा। अब ये अधूरा जो ग्रामीणों ने इस पर नारेबाजी की, आप देखिए यहां पर किस तरीके से जानवर यहां पर सब मवेशी बैठे हुए हैं और पूरा सब गोबर कचड़ा सब यहां पर करके उन्होंने रखा हुआ है। अब ये हैं यहां पर चीजें जो बनना चाहिए था, समय पर मिलना चाहिए था, हैंडओवर हो जाता, बच्चे पढ़ते तो इसका कोई लाभ होता, बनने का उद्देश्य सार्थक होता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सब जानवर बैठे हैं और सब पूरा गोबर कचरा लगा हुआ है और ये सब पैसे ही तो बर्बादी है और क्या है, आप बताएं।
क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं उधर गौशाला के लिए भी उनके क्षेत्रों में पैसा दिया जा रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो गौशाला का पैसा कोई और डकार रहा होगा। मवेशी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है बैठे हुए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी बहनों को हैंडओवर नहीं किए जा रहे हैं। अब चार चार साल बीत जा रहे हैं। अब देखो शुक्रवार को नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक परिसर में बीडीओ को घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अधूरे कामों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़ी सुरावली में वर्ष 2019 में 8 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र बनना था। ठेकेदारों और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई की लापरवाही से अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इससे बजट खर्च होने के बाद भी भवन का लाभ गांव के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब 8 लाख रुपए आया होगा तो आप सोचिए किस किस ने उसमें बंदरबांट किया होगा, और इसी के चलते सारी चीजें वहां पर ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं। इस तरह से भ्रष्टाचारी कुछ बढ़ती है और यहां पर ये चीजें आगे चलती रहती हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये एक मैटर सामने देखने को मिला है। अब आपको आगे ले चलते हैं और भी आपको बताना चाहेंगे। यहां पर आरोप ग्रामीणों ने लगाया है कि आंगनबाड़ी भवन आज तक जो है पूरा नहीं हो सका है, उसमें दरवाजे भी नहीं लगाए गए जिसमें यह दुर्दशा का शिकार होने लगा है। गांव के आंगनबाड़ी में पंजीकृत छात्र प्राथमिक विद्यालय सुरावली में बैठ रहे हैं और विद्यालय में जगह ना होने से बच्चों को परेशानियां भी आ रही हैं। इसके बाद भी भवन का कार्य पूरा नहीं कराया जा रहा है और बीडीओ दीपक कुमार का कहना है कि भवन का निरीक्षण करके जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो इस तरह से जब मीडिया में जाती है चीजें तो फिर वो काम करने का उनका सुध आता है, और नहीं तो ऐसे ही जो है सब बंदर बांट करके चीजें आगे चलती रहती हैं। साल पर साल बीतते हैं लेकिन वो चीजें ग्राउंड लेवल पर हो ही नहीं पाती हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि कैसा लगा आप लोगों को आप कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत